लखीमपुर हत्याकांड जिसने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की जनता के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया। और इस वक्त इस मुद्दे में, इस मामले से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां दोनों बहनों की गला दबाकर हत्या की गई थी, ये खबर सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये खबरों की पुष्टि हो चुकी है, जहां गला दबाने के बाद दोनों बहनों को लटका दिया गया था। पोस्टमार्टम में रेप और गला दबाने की बात की पुष्टि हो चुकी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट लखीमपुर खीरी दोहरे हत्याकांड से सामने आ रही है। दोनों किशोरियों से रेप हुआ और फिर उसके बाद उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 6 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि लड़कियों के पड़ोसी छोटू, जिसका नाम छोटू बताया जा रहा है, वो मुख्य साजिशकर्ता है। इस बात की पुष्टि पुलिस ने भी की है। लखीमपुर खीरी के एसपी ने भी इस शख्स का नाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया था। छोटू ने लालपुल के युवकों से दोस्ती कराई थी इन किशोरियों की, जिनके नाम पुलिस ने जुनैद, सोहेल, हाफिजुर रहमान बताए हैं। इन्हीं लोगों से दोस्ती कराई गई थी और इस घटना में ये सभी लोग शामिल है। जुनैद, सोहेल, हाफिजुर लड़कियों को घर से ले गए और फिर बच्चियों की मर्जी के खिलाफ उनसे दुष्कर्म किया था, ये पुलिस का कहना है। पुलिस ने ये सारी बातें बताई हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। लड़कियों ने से इन्होंने शादी की बात भी की थी और शादी की बात के बाद विवाद हुआ था। आरोपियों ने दुपट्टे से गला दबाकर दोनों बहनों की हत्या कर दी थी। आरोपियों ने हत्या के बाद कलीमुद्दीन आरिफ को भी बुलाया था और पांचों ने मिलकर दोनों किशोरियों को पेड़ से लटका दिया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है लखीमपुर दोहरे हत्याकांड से जुड़ी। पुलिस अधिकारियों के इस बारे में क्या कहना है, लखीमपुर के एसपी संजीव सुमन ने इस बारे में क्या कुछ कहा है, चलिए आपको उनका बयान सुनवाते हैं। तत्काल मौके पे सभी सीनियर अधिकारी पहुंचे, सब लोगों ने मौका मुआयना किया, मौका विजिट किया, परिवार से तहरीर ली गई। परिवार ने नामजद तहरीर एक व्यक्ति जिसका नाम छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, जो उसके ही गांव के रहने वाले हैं, पीड़ित जो मृतका हैं उनके परिवार के पास पड़ोस के ही रहने वाले हैं, उनका नाम दिया नामजद और 3 अज्ञात लोगों का नाम दिया। इस पे पुलिस ने सघनता से विवेचना शुरू की, मौका मुआयना किया गया, उसमें जो भी 3 लोग थे वो प्रकाश में लाए गए। ये तीनों लोग, ये जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इसके अक्वेंटेंस हैं, इनके नोन हैं। छोटू सन ऑफ चेतराम ने ही इन 3 लोगों से इस महिला का परिचय करवाया था, इन लोगों के बीच में मित्रता हुई थी। इनके नाम जुनैद सन ऑफ इज़राइल, सुहेल सन ऑफ इस्लामुद्दीन, हफीजुल रहमान उर्फ मझिलका सन ऑफ अजीजुल रहमान है। इसमें से दोनों लोगों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, सुहेल और हफीजुल रहमान को। जुनैद की गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले हुई है, एक एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है संभवतः, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, उसमें गिरफ्तारी की गई। तो चारों अभियुक्त जो नामजद किए गए, तो उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें जो विषय बताया गया है, छोटू ने इनको पहले परिचित करवाया, जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इन्होंने इनको परिचित करवाया था कुछ दिनों पहले, इन 3 लड़कों को, इस महिलाओं से। इन्होंने दोस्ती के प्रिटेक्स्ट पे इनसे दोस्ती की। कल दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये तीनों लड़के, और लड़कियों को बहला के ले गए, इनको पहले खेत में ले गए, वहाँ इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। महिलाओं ने उनसे शादी करने की बात कही और वो इस जिद पे अड़ गई कि हमें शादी करनी है। इस बात से शुभ्ध होके लड़कों ने गला दबा करके उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 2 और लड़के को इन लोगों ने फ़ोन करके बुलवाया वहाँ मौके पे। उन 2 लोगों के नाम हैं करीमुद्दीन उर्फ डीडी सन ऑफ कलीमुद्दीन, रेसिडेंट ऑफ लालपुर, और आरिफ उर्फ छोटे सन ऑफ अहमद हुसैन। ये सभी लड़के बेसिकली एक मुख्य गांव है लालपुर, उसी का मजरा है ये, जिस गांव की ये महिला है, उस गांव का नाम है तमोली पुरवा, और ये लड़के सब लालपुर के हैं। इन लोगों को बुलाया गया, इन 2 लोगों ने, अब ये 5 लोग हो गए थे, पहले 3 थे मौके पे, 5 हो गए, इन सब लोगों ने मिलकर के साक्ष्य मिटाने की दृष्टि से उन 2 लड़कियों को उस पेड़ पे फंदे के साथ डाल दिया। खीरी के एसपी संजीव सुमन को, जिन्होंने इस मामले के बारे में तमाम जानकारियां साझा की और उन्होंने कई आरोपियों के नाम भी बताए और ये भी बताया कि क्या ताल्लुकात थे इन किशोरियों के, वो पड़ोस के रहने वाले थे, सारी बातें उन्होंने बताई। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं
प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान क्या, आखिरकार इस घटना के बारे में उनका क्या कहना है? देखिए, जो लखीमपुर की घटना है वह बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ाजनक है, और इस दुख की घड़ी में विशेष तौर से पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। लेकिन जहां तक अपराध करने वालों की बात है, वो अपराध करने वाला एक भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। वो चाहे उसको बचाने की कोई कोशिश करे, छिपाने की कोशिश करे, लेकिन उनको खोज निकाला जाएगा, उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी। और मैं विपक्ष के, चाहे वह श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे वह श्रीमती प्रियंका मैडम हों, और चाहे वो सुश्री मायावती जी हों, उनसे ये अपेक्षा करूँगा कि ऐसे, मतलब जब दुख की घड़ी एक परिवार के लिए खड़ी है राजनीति करने की जगह, और उस परिवार को कोई सांत्वना दे सकता है तो वो जरूर देने का काम करे। लेकिन मैं आज के दिन यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज था, कानून का राज है, और कानून का राज रहेगा। कोई भी अपराध करेगा वह न बचा है और न भविष्य में भी बचने पाएगा, न इस अपराध को जिसने अंजाम दिया है, इस अपराध को करने वाले भी बचने पाएंगे, यह एकदम सरकार की ओर से। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का बयान भी सामने आया। केशव प्रसाद मौर्य के बाद बृजेश पाठक का बयान भी सामने आया। चलिए वो भी आपको सुनवाते कि आखिरकार इस घटना के बारे में उनका क्या कहना है। आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि लखीमपुर की घटना का पर्दाफाश हो गया है। उसमें मुख्य रूप से जुनैद, सुहेल, हफीजुर रहमान, कलीमुद्दीन और इसके साथ ही साथ आरिफ का भी नाम प्रकाश में आया है। जुनैद, सुहेल और हफीजुर रहमान ने ये बच्चियों को ले जा करके पहले उनके साथ दुष्कर्म किया है, ऐसा भी बताया गया है प्रथम दृष्टया। रिपोर्ट आने के बाद और भी मैं स्पष्ट कर पाऊंगा पोस्टमार्टम के बाद, लेकिन अभी ये जो प्रकाश में आया है कि उसके बाद फिर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी उनकी चुन्नी से, उसके बाद उनको हैंग किया। हैंग करने से पहले फोन करके उन लोगों ने कलीमुद्दीन और आरिफ को भी मौके पर बुलाया, उसके बाद ये दुखद घटना का अंजाम दिया है। इस प्रकरण में पूरी तरह से सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी। इन अभियुक्तों से इसी सजा दिलाएंगे। हमारी सरकार ने बहुत ही चिंता व्यक्त की थी अधिकारियों के साथ। मैं सभी अधिकारियों को, जिन लोगों ने इसमें राउंड द क्लॉक लग करके इस घटना का पर्दाफाश किया है, उनको मैं बधाइयाँ देता हूँ और कहता हूँ पीड़ित परिवार के साथ संवेदनशीलता के साथ काम करें और हर स्थिति में उनको संतुष्ट करें कि किस ढंग से केस का पर्दाफाश हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, सभी पुलिस अधीक्षक लगातार निगरानी रखें और ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को तत्काल कार्रवाई करके उनको जेल भेजें। विपक्ष के वो आप जानते हैं कि जब उनकी सरकार थी तो उस समय की घटनाओं को उन्हें याद करना चाहिए। हमारी सरकार ऐसी सभी घटनाओं को गंभीरता से लेती है और कड़ी कार्रवाई करती है। इस मामले में भी हम भारतीय दंड संहिता के तहत और अन्य अधिनियमों के तहत कड़ी कार्रवाई करने वाले। इस घटना को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, तो वहीं अब पुलिस जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कितने वक्त में दोषियों को सजा दिलाई जाती है।